बॉलीवुड की सदाबहार एक्ट्रेस कही जाने वाली रेखा 66 साल की उम्र में भी अपनी फिटनेस और खूबसूरती को लेकर चर्चा में रहती हैं। उनकी खूबसूरती ही थी जिस पर बना कामसूत्र। इतनी खूबसूरत एक्ट्रेस पर जब कामसूत्र बना तो सुपर डुपर हिट हो गया। आज भी लोग उसे देखना चाहते हैं। 66 साल की रेखा आज भी अपने से कम उम्र की हीरोइनों को फिटनेस और खूबसूरती में मात दे रही हैं। विटाउन की एक्ट्रेस उनकी खूबसूरती के पीछे का राज जानने के लिए काफ़ी उत्सुक रहती हैं। चेन्नई में जन्मी रेखा की पर्दे की जिंदगी के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। रेखा की शादी हुई तो मगर उन्हें कभी पति का सुख नहीं मिला। शादी के कुछ समय के बाद ही उनके पति मुकेश अग्रवाल ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दरअसल कोरोना काल में धीरे धीरे लोग और स्टार्स अपने काम पर लौट रहे हैं, इसलिए जितने भी सुपरस्टार रहे उनकी खबरें वायरल हो रही है। तो आज रेखा की कहानी इसलिए हम आपको सुना रहे हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खबरें वायरल हैं। ऐसे में सेलेब्स के पुराने इंटरव्यूज़, किस्से, कहानियाँ सोशल मीडिया पर इतने ज़्यादा चर्चे का विषय बन चुके हैं कि उसे कहे बिना और सुने बिना जैसे वक्त ही ना बीते। ऐसे में पति की मौत के बाद भी रेखा के सिंदूर लगाने के राज के पीछे का किस्सा खूब वायरल हो रहा है। रेखा के एक्टर विनोद मेहरा के साथ भी संबंध रहे थे, लेकिन इन संबंधों को खारिज कर दिया विनोद मेहरा ने, खुद उन्होंने गलत बताया। जबकि ये कहा जाता है कि विनोद मेहरा से चोरी छिपे शादी करने के बाद जब वो उनकी माँ के सामने पहुंची तो उनकी माँ ने उन्हें मारने के लिए चप्पल तक उठा लिया था। खैर, ये गॉसिप्स की बातें हैं और कहीं से भी इसका सच सामने नहीं आया है। एक्ट्रेस को हमेशा से प्यार की तलाश रही है, लेकिन ये तलाश अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंची। रेखा को अक्सर हर छोटे बड़े इवेंट में सिंदूर लगाए देखा जाता रहा है, जबकि उनके पति का निधन हो चुका है। तो ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठता है कि आखिर वो अब भी किसके नाम का सिंदूर लगाती हैं और क्यों। कई बार तो फैंस उनसे ये सवाल सोशल मीडिया पर पूछ भी चुके हैं कि ये किसके नाम का सिंदूर है। कहा तो ये भी जा रहा था कि संजय दत्त के साथ भी उनके रिलेशन रहे हैं। संजय दत्त के साथ उनके रिश्तों पर ये बड़ा खुलासा उस वक्त हुआ जब संजय दत्त बहुत ही बुरे वक्त से गुजर रहे थे। कहा जाता है कि संजय दत्त को उस समय रेखा ने संभाला था। ये सिर्फ कहने की बातें हैं, सच से इन तमाम बातों का कहीं से कोई वास्ता नहीं है, सिर्फ गॉसिप्स हैं ये। और रेखा को लेकर आज भी संजय दत्त को लेकर खबरें ट्रेंड में हैं। सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा ये खबरें ट्रेंड में हैं कि रेखा संजय दत्त के नाम की सिंदूर लगाती हैं। लेकिन कुछ एक खबरें ये भी कहती हैं कि रेखा सिर्फ और सिर्फ अमिताभ बच्चन के नाम की सिंदूर लगाती हैं। अब क्या है सच, ये तो कोई नहीं जानता। जो खबरें हैं, जो वायरल हो रही हैं, उसी पर तमाम बातें चल रही हैं और रेखा के फैंस भी इन खबरों को खूब वायरल कर रहे हैं। तो इन खबरों में कितनी सच्चाई है ये तो आप तमाम दर्शक ही बताएंगे, क्योंकि दर्शक ही इंसान को स्टार बनाता है और इंसान को भगवान बनाता है। तो आपका इन तमाम मुद्दों से कितना है इत्तेफाक ज़रूर बताएं। देखते रहें बिग स्क्रीन, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हाँ, कमेंट ज़रूर करें।